स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद चंद्रदीप सिंह की याद में भीमपुरा थाना क्षेत्र के आरपुर सरिया स्थित हनुमान मंदिर के पास दो दिवसीय अंतरजनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा नेता भरत सिंह ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में जनपद बलिया, देवरिया, गाजीपुर व मऊ समेत कुल 8 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में खेले गए सभी मैच रोमांचक रहे। सिकंदरापुर, बलिया और मऊ की टीम ने अपने उम्दा प्रदर्शन की बदौलत फाइनल मैच में जगह बनाया, जिसमें बलिया की टीम से सतीश यादव, शोभनाथ यादव, पप्पू यादव, आशीष कुमार, गोल्डन यादव और रामुग्रह यादव उर्फ चीनी ने अपने उम्दा प्रदर्शन के द्वारा 3 सेट का मैच 2-1 से जीतकर अपने नाम कर लिया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दर्शकों ने खिलाड़ियों का खूब उत्साहवर्धन किया। फाइनल मैच के पूर्व मुख्य अतिथि विनय प्रकाश अंचल ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर राजेश पासवान युवा सपा नेता, ओम प्रकाश यादव सपा नेता, सुजित दास, विनय यादव भाजपा नेता, राजू सिंह के साथ प्रतियोगिता के संरक्षक राकेश सिंह गुड्डू, आयोजक सोनू सिंह राजकपूर पांड्या, मोनू सिंह भूतपूर्व सैनिक पंकज पांड्या एवं सहयोगी के रूप में रामकेवल यादव मौजूद रहे। फाइनल मैच में रेफरी का काम आलोक यादव ने किया। दीजिए, मैं अनुपम तिवारी, मऊ स्टेडियम का खिलाड़ी। ये बताइए, आज आप लोग बलिया जिले के आरीपुर सरिया ग्राम सभा में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेलने आए थे, इसमें मैच में आपको कैसा लगा? मैच तो बहुत अच्छा था और फाइनल बहुत ही अच्छा हुआ। थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हमने गलती कर दी, इस वजह से हम लोग थोड़ा मैच लूज कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, हार से ही सीखते हैं। हार जीत तो लगा रहता है। बताइए, इस मैच से, मैच आप लोग मतलब बहुत रियल मैच था जी, इससे आप लोगों ने क्या सबक सीखा? सबक यही है कि हमेशा अपना वो छोड़ना नहीं चाहिए गेम को, और लास्ट तक गेम को लेना चाहिए। थोड़ी सी लाइट की दिक्कत वजह से हम लोगों ने मैच को लूज किया, बाकी सब तो ठीक ही था। आप अपने टीम के किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे मैच में इतना? हमारा टीम पूरा सब लोग 100% दिए, लेकिन साहिल बहुत अच्छा खेला और मैं उसको भी श्रेय देना चाहूँगा। धन्यवाद। ए सोमनाथ, क्या दीजिए? मैं सोमनाथ यादव, हम लोग सिकंदरापुर के नाम से, हम लोग रहने वाले बरौली बलिया के हैं और सिकंदरापुर के टीम से हम लोग खेले हैं आज। ये बताइए कि इस मैच में आप लोगों की टीम ने पहला मैच हारने के बाद लगातार 2 सेट आपने जीता है जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर, हमारे खिलाड़ी खेल रहे थे, आपस में जो है सामंजस्य नहीं बनने के कारण थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो गई थी, फिर बाद में सारे खिलाड़ियों के सहयोग से और जिसमें सतीश जी का विशेष सहयोग रहा, अच्छा हम लोग खेले तो जीत तक पहुँचे। मतलब किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहेंगे अपने फाइनल में? विशेष सहयोग हमारा जो है सतीश जी का था, और बाकी खिलाड़ियों का कैसा नहीं, सबका अच्छा सहयोग था। सारे खिलाड़ी खेलते हैं तभी मैच आदमी जीतता है, हमारे सभी खिलाड़ी अच्छे खेले, लेकिन विशेष सहयोग जो है सतीश जी का था उसमें। धन्यवाद। आप लोगों ने एक टूर्नामेंट कराया है वॉलीबॉल का जी, किस अवसर पे आपने टूर्नामेंट कराया है? ये एक शहीदी के नाम पे हम लोग कराए हैं, शहीद चंद्रदीप सिंह वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग किए हैं। ये शहीद हुए थे 15 अगस्त सन 1942 में, इनके नाम से हम लोग सोचे हैं कि इनको नाम को अमर करने के लिए, तो नामकरण करने के लिए हम लोग आयोजन रखे हैं। हम लोग का प्रथम साल था, पहला मैच था। क्या अब अभी पहला मैच आप लोग करा रहे हैं, आगे भी इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे होता रहेगा, अनवरत होता रहेगा कि? होता रहेगा, हम लोग ये प्रथम बार मैच को रखे हैं, फिर अगले साल भी इस मैच को कराया जाएगा। पहला मैच कराने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को मैच करा के, और कुछ कमियां भी हम लोगों में थी जो धीरे धीरे करते करते हमारी सारी कमियां को पूर्ण कराया जाएगा। ये बताइए, आप लोगों ने कई जिलों की टीम यहाँ पे बुलाया था, आगे किस तरह के मैच होंगे, क्या इन्हीं टीमों के साथ होंगे कि इससे भी बढ़िया आप लोग करना चाहेंगे? नहीं, कुछ कराया जाएगा, अगर कोशिश रहेगी, कमेटी अगर अच्छी तरह से ढंग से अगर काम करेगी तो हम लोग स्टेट लेवल से अगर मैच कराने का यहाँ कोशिश करेंगे। इस तरह का मैच कराकर जनता को आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता, खिलाड़ियों को, जनता को और यहाँ की युवाओं को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी इन लोगों के देख के आप लोगों का भी मनोबल ऊँचा होके आप लोग भी इससे अच्छे लड़ाई लड़ सकें। आज के फाइनल मैच में मऊ और बलिया की टीमों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया, इन दोनों टीमों के प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहा, हार और जीत का तो काम है दोनों का, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये मैच करा के, और कमेटी और यहाँ के आम जनता भी।
हम लोगों से बहुत खुश है।